दोस्तों, दुनिया एक रंगमंच है और हम सब रंगमंच के कलाकार। हर आदमी अपनी अपनी कला से अपने जीवन के रंगमंच में एक अनोखी कलाकृति उकेरने में जुटा हुआ है। कोई अपनी कला से लोगों को ज्ञान बांटने में लगा है, तो कोई अपनी कला से लोगों को हंसाने में, तो कोई लोगों को रुलाने में लगा हुआ है। मतलब कि हर कोई अपनी अपनी कला से अपने जीवन के रंगमंचों को सजाने में जुटा हुआ है। इसी विश्व रंगमंच दिवस पर देखिए हमारे जालौन संवाददाता की यह खास खबर। एंटरटेनमेंट के नज़रिए से पूरे विश्व में रंगमंच दिवस का अपना अलग ही स्थान है। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को वर्ल्ड रंगमंच दिवस का आयोजित किया जाता है। पूरी दुनिया में रंगमंच को अपनी अलग पहचान दिलाने के लिए साल 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस सेलिब्रेट करने की नींव रखी। इस दिन पूरी दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच से जुड़े कलाकार अलग अलग तरीके से इस समारोह को मनाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया के समाज और लोगों को रंगमंच की संस्कृति के विषय में जानकारी देना है, रंगमंच के विचारों के महत्व को समझाना, रंगमंच संस्कृति के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा करना है, साथ ही हमें इससे जुड़े लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए। वर्ल्ड थिएटर डे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना, लोगों को रंगमंच की ज़रूरतें और इम्पोर्टेंट से अवगत कराना, रंगमंच का आनंद उठाना तथा इस रंगमंच के आनंद को दूसरों के साथ साझा करना है। इसको हम नाटक, नौटंकी, रंगमंच, थिएटर, जो जी चाहे बोल सकते हैं। यह मनोरंजन का सबसे पुराना माध्यम है। खासकर भारत के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं कि हम लोग मनोरंजन के लिए कितने पागल हैं। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास थिएटर का विकल्प भी है। हमारे पूर्वजों के वक्त से आज तक ये थिएटर अपना दबदबा बनाए रखे हैं। इतना ही नहीं, आज OTT या मूवी पर्दे पर नसीरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स को देख रहे हैं, वो भी थिएटर की दुनिया से आए हुए हैं। ऐसे में हम भला वर्ल्ड थिएटर डे को किस तरह भूल सकते हैं। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जहाँ नाट और संस्कृति में रची बसी चंद प्रस्तुतियाँ व्यक्ति के जीवन के रंग को दर्शाती हैं। शेक्सपियर ने भी कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियाँ हैं। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना भी कहते हैं कि बाबू मोसाए, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, कब कौन उठेगा कोई नहीं जानता, यही जीवन सत्य है। रंगमंच का रास्ता सिनेमा की ओर ले जाता है। होना चाहिए, कलाकार तो केवल परमात्मा है, उसने हम और आपको जीवन दिया है इस रंगमंच पर कार्य करने के लिए। तो भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। नमस्कार, आज विश्व रंगमंच दिवस है। सबसे पहले तो हम अपने सारे दर्शकों को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रंगमंच वैसे तो दुनिया एक खुद रंगमंच, बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब इसमें कलाकार अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करने में लगे हुए हैं। हम वो कलाकार हैं। कहते ना कि लोग अपनी कलाओं से किसी को हंसाने का काम कर रहे हैं, कोई अपनी कला से किसी को रुलाने का काम कर रहा है, कोई मेहनत का अपनी मेहनत से इस अभिनय को निभा रहा है, कोई राजनेता अपने राजनीतिक व्यक्तित्व से इस अपने जीवन को निर्वहन कर रहा है, लोगों में अपनी छाप छोड़ रहा है। कहते हैं ना कि परमात्मा सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो इस रंगमंच का निर्माता और निर्देशक है। उसके दिशा निर्देश पर ही मानव जीवन में जितने भी कलाएं हैं वो सब के सब जो है इस रंगमंच में के पटल पर हमें और आपको निभानी पड़ती है। वैसे तो सन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच दिवस की जो है स्थापना हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें इसमें भारतीय योगदान की तो 200वीं ईसा पूर्व यानी कि युगों से भारतीय जो है कला का इसमें हमेशा से योगदान रहा है। चाहे वो नाट्य के रूप में हो, चाहे वो नृत्य के रूप में हो, चाहे कला के रूप में हो, चाहे फिल्मों के रूप में हो, मतलब कहीं ना कहीं हम भारतीय अपनी हमेशा एक अमिट छाप छोड़ते रहे। और आज विश्व रंगमंच के दिवस पर हम फिर से अपने दर्शकों हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन। जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।